हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित जारवाल। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है? हमारे पास दो सेट होते हैं इलेक्ट्रोड्स के। एक तो है हमारे पास कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, ये जो पैरेलल इलेक्ट्रोड है इसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, और दूसरी इलेक्ट्रोड का सेट होता है ये, इसे हम बोलते हैं एमिटिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये केवल एक सेट है हमारे पास, ऐसे काफ़ी सारे सेट्स होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को तो कनेक्ट करते हैं ग्राउंड से, यानी इसे ग्राउंडेड कर देते हैं, और जो हमारा एमिटिंग इलेक्ट्रोड होता है इसे हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव वोल्ट डीसी चार्ज से, जो कि काफ़ी हाई वोल्टेज का चार्ज होता है, 10 to 100 kV। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम एक तरफ से डर्टी गैस को इंसर्ट करवाएंगे, जिसमें हमारी फ्लाई ऐश होगी। उस फ्लाई ऐश को ही हमें रिमूव करना है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का मेन पर्पज़ होता है, कि जो हमारी गैस होती है उसमें से फ्लाई ऐश को कैसे सेपरेट किया जा सके। ठीक है, तो एक तरफ से हम इसमें फ्लाई ऐश को एंटर करवाएंगे, दूसरी तरफ से हमें क्लीन गैस मिलेगी। अब ये गैस क्लीन कैसे होगी, तो शुरुआत करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, यानी हमारी इमिटिंग इलेक्ट्रोड से। इसमें हम जैसे ही करंट को फ्लो करवाएंगे, तो इसके पास वाले रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम रहेगी इलेक्ट्रोड के पास वाले एरिया में। ये जो ब्लू कलर से आपको हैश्ड करा हुआ एरिया दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी मैक्सिमम, और इस रीजन को हम कहते हैं कोरोना रीजन। ये आपको ब्लू कलर का ग्लो करता हुआ रीजन नज़र आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। इससे जैसे ही हम दूर जाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण गैस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे एक्सेलरेट होंगे। वो जैसे ही एक्सेलरेट होंगे तो गैस को आयनाइज करेंगे, और जैसे ही गैस को आयनाइज करेंगे तो गैस में से पॉजिटिव आयन्स प्लस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स गैस को इस तरीके से दो हिस्सों में तोड़ देंगे, और एक चेन रिएक्शन चालू हो जाएगी कंटिन्यू, यानी गैस में से पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो पॉजिटिव आयन्स तो चले जाएंगे हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो फर्दर मूव कर जाएंगे हमारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की तरफ। अब जब वो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, देखिए इसे मैं इस डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये हमारी नेगेटिव जो हमारी इलेक्ट्रोड थी, इसके पास वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम थी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे गैस में वो एक्सेलरेट हुए। एक्सेलरेट होके जैसे ही गैस मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो ये गैस को आयनाइज कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन, इस तरह का एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब हमारा पॉजिटिव तो मूव कर जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और हमारा इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे मूव करेगा कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की तरफ। अब जैसे ही कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते वक्त इलेक्ट्रॉन हमारा इस इलेक्ट्रोड से दूर हो गया, तो जैसे ही ये दूर आएगा तो इसकी स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कम हो जाएगी, तो हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होने के कारण वो गैस को आयनाइज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आयनाइज तो नहीं करेगा, पर जैसे ही वो गैस मॉलिक्यूल से टकराएगा तो अपना जो नेगेटिव चार्ज था वो गैस मॉलिक्यूल को दे देगा। अब गैस मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज हो गया तो वो फर्दर गैस मॉलिक्यूल्स आगे मूव करेंगे, गैस मॉलिक्यूल आगे मूव करेंगे तो वो टकराएंगे फ्लाई ऐश से, फ्लाई ऐश से टकराएंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लाई ऐश को मिल जाएगा, और फ्लाई ऐश हमारा जाके कलेक्ट हो जाएगा कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड पे, और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को हमने किया हुआ है ग्राउंडेड। तो जैसे ही ये कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होगी ऐश, तो उसका सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा और ये फॉल गिर जाएगी, यानी फॉल हो जाती है और नीचे एक जगह पे स्टोर हो जाती है, वहाँ से फिर हम इसे रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर काम करता है, जिसमें हम एक तरफ से डर्टी गैस इंसर्ट करवाते हैं और दूसरी तरफ हमें क्लीन गैस मिल जाती है। तो बस यही था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।